जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। तो मार्च में हम इधर शिफ्ट हुए थे इसको बना के, लेकिन अभी तक कंप्लीट तो नहीं हुआ। कंप्लीट तो ये तो ऐसा काम है कि चलते ही रहता है साथ साथ। तो माशाल्लाह तकरीबन ये हो गया, रनिंग में आ गया है और बाकी साथ साथ सब कुछ होता जा रहा है। जितनी ज़रूरत हो साथ साथ करते जा रहे हैं। इस तरह मिल्किंग वाली हैं और इस तरफ ये हिफर्द हैं। ये कुछ दिन पहले परचेज़ की हैं और कुछ पहले की थी। इनकी एक अलग से वीडियो बना के मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये मिल्किंग वाली हैं अपनी। तो मार्च में जब इधर शिफ्ट हुए हैं तो उसके बाद कुछ ऐसी मसरूफियत बनी है कि वीडियोस बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो अब सोचा है कि आपसे रेगुलर दोबारा वीडियोज़ बनाई जाएँ डेयरी पर, और आप दो लोगों के साथ एक्सपीरियंस जो भी है वो शेयर किया जाए। अपनी व्यूअरशिप जो कह रहे हैं, समझ लें कि जो अपनी वीडियो को जो देखते हैं वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मुल्कों के लोग हैं, लेकिन ज़्यादा जो व्यूअर हैं वो अपने पाकिस्तान के हैं, उसके बाद इंडिया के हैं। तो हमारे जो भाई अक्सर बाहर बैठे हुए हैं, बाहर जा कर काम कर रहे हैं, वो वीडियोज़ देखते हैं, वो कमेंट में पूछते हैं और उनका पूछते हैं कि कैसा है ये काम, क्योंकि वो YouTube पे देखते तो रहते हैं वीडियोस। ये YouTube चैनल्स वाले हैं जो मैं उनका काम बस इतना है कि वो जाते हैं किसी फार्मर के पास, उसको बताते हैं एक किस्म का, ये समझने के स्क्रिप्ट उसको बता देते हैं कि मैं आपसे ये सवालत करूंगा, आप इसके जवाब ऐसे दे दें। लेकिन ना वो तो खुद फार्मर होते हैं, ना उनका कोई एक्सपीरियंस होता है। और वीडियो के थंबनेल पे या वीडियो से एक दो पॉइंट ऐसे हाईलाइट करते हैं कि पांच गाय लें और लाखों रुपए कमाएं। ये पांच गाय लेके लाखों कमाने वाला काम नहीं है, ये बहुत सब्र वाला काम है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसमें दो तरीके होते हैं, एक टाइम और एक पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो एकदम से इन्वेस्ट करके आ जाएं, वरना आप फिर टाइम के साथ साथ थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ये नहीं है कि ये प्रॉफिटेबल काम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉफिटेबल काम है, लेकिन उतनी ज़िम्मेदारी वाला काम है। ये 24 घंटे की जॉब है, 365 दिन और ईद वाले दिन भी कोई छुट्टी नहीं है। बारिश धूप गर्मी सर्दी इसमें कोई छुट्टी नहीं है। कुछ भाई हमारे बाहर बैठे ये देखते हैं कि यार ये काम शुरू कर देते हैं, इस तरह कर लेते हैं, भाई कर लें कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह अच्छा काम है, लेकिन ये है कि ये 24 घंटे आप अगर आप इसको दे सकते, दे तो नहीं सकते, लेकिन आपकी ये है कि आपको आपकी नज़र होनी चाहिए इस पर। आएँ सुबह आएँ शाम को आएँ अपने फार्म पे, फार्म को विज़िट करें, जानवरों को देखें, क्योंकि ये ज़िंदा जानवर हैं, कोई वो तो चीज़ नहीं है ला के रखती तो बस, इनको सुबह शाम देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप मुलाजमों पे रहेंगे तो फिर आपने बहुत से देखा होगा, यार ये हमारे इलाके में भी शेड बना था वो फेल हो गया, ये फेल हो गया। उसकी दो वजूहत होती हैं, या तो वो होता है कि वो सारा मुलाजमों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, या फिर वो खुद इतने इस काबिल नहीं होते, या फिर वो खुद लापरवाही करते हैं। मैंने अभी तक ये 7-8 मंथ में यही सीखा है कि डेयरी फार्म में जो भी नुकसान या जो भी बीमारियां आती हैं या किस कोई चीज़ अफेक्ट करती है, वो ज़्यादा अपनी लापरवाही की वजह से होती है। मैं भी सम टाइम कर जाता हूं, लेकिन नहीं सम टाइम लापरवाही मुझसे भी हो जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं, इंसान है। लेकिन अगर आप इसको इस पर नज़र रखते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये काम घाटे वाला काम तो नहीं है, लेकिन सब्र वाला ज़रूर है। मेरे ख्याल में 4 से 5 साल लग जाते हैं कि आपको इसका सही रिटर्न जो आना शुरू होता है तब, क्योंकि जब तक आपकी फार्म पे जो बछड़ी पैदा होगी वो जवान होके वो मिल्किंग में नहीं आएगी, तब तक आपकी, मैं समझता हूँ तब तक आपकी इन्वेस्टमेंट चलती रहती है। तो माशाल्लाह कुछ जानवर थे अपने और कुछ परचेज़ किए हैं मंडियों से। मंडी में जाने का जो एक्सपीरियंस है, मंडी में जाते रहते हैं, मल्लू मोड़ मंडी हमारे पास काफ़ी बड़ी मंडी है पंजाब की,
यहाँ बहुत ख़रीदार आते हैं और सेलर भी आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी गायें होती हैं, बछड़ियाँ भी होती हैं, गोजरा मंडी है, उसके अलावा मंडी में भी जाते रहते हैं। मंडी में अगर आप लोग कहेंगे कि मंडी की वीडियो बना देंगे, क्योंकि कुछ मैंने वहाँ यूट्यूबर मुझसे भी मिले हैं, मैं उनसे मिला हूँ जो मंडी की वीडियो बनाते हैं, वो क्या बताऊँ आपको क्या कुछ दिखा देते हैं। बस उन्होंने बस उनका एक ही होता है कि असल में वो उनका उनका वो काम है कि वीडियो बनाना, व्यूज़ आएंगे उस पर पैसे मिलते हैं, और हमारा काम ये है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो हकीकत होगी वो भी बात शेयर करेंगे। मंडी में भी चक्कर लगता रहता है, तो अगर आप दोस्त कमेंट में बताएं तो मंडी की भी वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा बना के, हीफर्स की, काउज की, भैंस बच्चे होते हैं छोटे, वो सारी किस तरह सौदा होता है, कितनी डिमांड, ये वो मार्जिन होता है, और दलाल होते हैं मंडी में बहुत ज़्यादा, ख़रीदारों से ज़्यादा दलाल होते हैं उधर, उससे भी अलग एक वीडियो बनाएंगे। मंडी में जाएं तो किस तरह कैसी तैयारी करके जाएं, तो इंशाल्लाह अब वीडियोस का सिलसिला लगातार शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो बनाएंगे। तो सो जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह इसकी वीडियोज़ आती रहेंगी फार्म की और अपनी जो दूसरी चल रही हैं एग्रीकल्चर की फसलों वगैरह की, वो भी साथ इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करेंगे, और डेयरी की लाजमी वीडियो अपलोड करेंगे।